not much to do when all I can is thinking. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का रचना ऑफिसर ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। तो आप लोग कैसी हैं? आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, चंगे होंगे, घरों में एंजॉय करें। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोल्ड मेकअप ट्यूटोरियल। अब बहुत सारे हैक्स इंस्टा यूट्यूब पे वायरल हो रहा है विंटर मेकअप, तो सोचा क्यों ना मैं भी विंटर मेकअप ले आऊं आप लोगों के लिए, जो ताकि हेल्पफुल रहे इस विंटर। अपना मेकअप कैसा करना चाहिए, क्यूट सा एंड रेड रेड पिंक, इस हिसाब से हमने अपना लाया है मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के लिए। आप अपना ये कोल्ड मेकअप कर सकती है क्रिएट बहुत ही ईजी तरीके से, कम प्रोडक्ट्स में, जो बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। विंटर लेवल का मेकअप है, तो वीडियो में जरूर वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा। ये हमारा विंटर मेकअप लुक क्रिएट करते हुए, अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी ये विंटर मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो करें, वहां बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, वहां भी चेकआउट करें, फॉलो करें, ताकि हमारा अकाउंट जो अच्छे से इंक्रीज कर पाए। तो अगर आपको हमारा ये विंटर लुक अच्छा लग रहा है तो मेकअप ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे मेकअप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे ब्यूटीज, तो चलिए हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करेंगे फेस टोनर। बायोलीफ का ये फुल फेस टोनर हमने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद हमने कोल्ड क्रीम लगाया जो सनस्क्रीन के साथ मिक्स था, जो हमारे लुक को बहुत ही पूलर एंड ग्लोई लुक देता है, जिससे हमारा जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग, इवन एंड ग्लैमरस लुक आता है उससे। उसके बाद हमने अपना 24K का ये मॉइस्चराइजर प्राइमर लिया, उसके बाद उसमें हम फेस सीरम अप्लाई कर दिया, ताकि हमारा जो मेकअप हो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड विंटर को ध्यान रखते हुए हमने फेस सीरम अप्लाई किया, ताकि हमारा मेकअप जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इवन मेकअप लुक आए, ग्लैमरस लुक दे। उसके बाद हमने अप्लाई किया है अपना ये भर भर के ब्लश, अपने चीक पे नोज़ के अराउंड सारा ये ब्लश अप्लाई किया है, जो ताकि हमारा एक अच्छा लुक विंटर के हिसाब से आ पाए। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है कि अपना विंटर में मेकअप कैसे करें, बहुत ही विंटर लुक आए। उसके बाद अपना ये ब्लश डैप 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 करके मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा कम लगा तो उसे और लेके हमने डैप डैप करके मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने जो किया उसका प्रोसेस था, वो फाउंडेशन लिया, उसके बाद फाउंडेशन को हम अपने फिंगर टिप्स पे लेके डैब डैब करके पूरे फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद का प्रोसेस तो आप लोग को पता है, वीडियो में देखते ही आए हैं। उसके बाद हमने उस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेटिंग स्प्रे पूरा फैला के अपने फेस पे हमने डैब डैब किया। उसके बाद डैब 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 करते करते हमने अपना ये फाउंडेशन के लेयर को हमने कंप्लीट किया। हमने लक्मी का ये फाउंडेशन यूज़ किया है, सेड 420 शायद है। तो फाउंडेशन हम अब देख पा रहे हैं, हमें अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हमारे स्किन टोन में अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए और इवन लुक आए। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा मेकअप कंप्लीट, सॉरी फाउंडेशन हमारा लग चुका है, और बहुत ही पिंकी शेड ब्लश भी लगा रखा है, ताकि विंटर के हिसाब से हमारा मेकअप अच्छा हो जाए। थोड़ा सा कम लग रहा है, और लगा लूँ? हाँ, लगा लिया। उसके बाद अब लिपस्टिक को हम कंप्लीट करेंगे, लिप लाइनर। लिप्स पे हमने रेड लिपस्टिक अप्लाई किया इवनली, पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके हमने लिप लाइनर अप्लाई किया। उसके बाद जो इनर लिप में है, शायद हमने पिंक शेड ही लिपस्टिक अप्लाई किया। उसके बाद स्मच किया, देख सकते हैं बहुत इवन लुक आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए विंटर के हिसाब से हमने पिंक शेड का ही आई शेडो भी अप्लाई किया, अपने आईलिड पे लगा के स्मच किया, और फाइनली आप देख सकते हैं हमारा कितना आई
और थोड़ा सा कम लग रहा था उसको और भर के लगा दिया और फिर इसको स्मच किया तो देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ये आई शैडो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मत ही पूछो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फाइनल लुक जब देखेंगे आप ना तो कहेंगे कि हाँ रचना ने क्या मेकअप किया। उसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्मच किया तो देख सकते हैं मैं बहुत ही पिंकू लग रही हूँ, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। उसके बाद मेरा बच गया हाँ आईब्रो फिल करना, मैं भूल गई थी तो सो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली हमारा आईब्रो फिल भी हो चुका है। सेटिंग स्प्रे से अपने फेस के जो मेकअप को सेट कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग रह पाए हमारा मेकअप। उसके बाद थोड़ा आईलेसेस तो लगाया नहीं है, उसने मस्कारा ही अप्लाई किया है। मस्कारा कम से कम 3 कोट में लगाना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर अगर उस पर लगा ले रहे हैं, लूज़ पाउडर तो उसको बहुत इवन लुक आने वाला है अगर ये प्रोसेस अगर अप्लाई करें तो। हमने तीन प्रोसेस से हमने इसको कंप्लीट किया मस्कारा लगा के, जो बहुत ही अच्छा लुक आया देख सकते हैं आप। मस्कारा लगा रही हूँ, फाइनली मस्कारा लग चुका है। उसके बाद हम अपने फेस को हाईलाइट कर लेंगे। मुझे हाईलाइटर बहुत अच्छा लगता है, ये विंटर मेकअप है इसलिए हाईलाइटर मैंने भर भर के लगाया ताकि हमारा फेस पिंक और शाइन करे बहुत ही अच्छा लुक के साथ। सो हमने हाईलाइटर भर भर के नोज पे, चिक पे, माउथ पे, फोरहेड पे लगाया, देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। आपको हमारा ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फाइनली मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ, टन टन। तो देख सकते हैं हमारा ये विंटर मेकअप लुक जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो खुद पे ही प्यार आ गया अपने आप को देख के। अपना ये लुक क्रिएट करके मुझे कोल्ड मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगा। आप भी क्रिएट कर सकती हैं, आपको थोड़ा सा भी हमारा मेकअप लुक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकती हैं।